मैं तो मानता हूँ कि ठीक है द्रविड़ के पार्ट पे, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अ बिग टूर्नामेंट एंड वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, यू कांट काउंट ऑन यू दैट मच। मेरे हिसाब से मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि चाहे जितना ही बड़ा प्लेयर हो, इवन सचिन पे भी बहुत प्रेशर डाला गया था मीडिया द्वारा। जी बिल्कुल, ऐसी बात डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए थी टीवी पे, और इससे थोड़ा सहवाग के मनोबल पे असर पड़ेगा। लगता है आपको बैलेंस्ड है भारतीय टीम, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए और गेंदबाजी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आपको लगता है भारतीय टीम में? जी बैलेंस तो इंडियन टीम का बना है, इसलिए मतलब पूरा बैलेंस बना के उसी बॉलिंग बैटिंग को ध्यान में रखते हुए टीम लेके गए हैं। मतलब मैटर यही करेगा कि कैसे फील्ड में जेलअप करते हैं और एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं। विराट, आपसे जानना चाहूँगा, पिछला शतक वीरेंद्र सहवाग ने 2 अप्रैल 2005 में बनाया था, लगभग 2 साल पहले बनाया था। ऐसे में वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप उनको लेकर के जा रहे हैं, क्या आप इस बात को सही मानते हैं? क्या उथप्पा जैसे प्लेयर को आप साथ में लेकर के जा रहे हैं, दो दो ओपनर आप लेकर जा रहे हैं, आपके साथ गांगुली हैं, तेंदुलकर हैं, चारों प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं, आपको लगता है कि ऐसे में सहवाग को ले जाना ठीक है? जी मैं तो मानता हूँ कि ठीक है द्रविड़ के पार्ट पे, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अ बिग टूर्नामेंट एंड वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, यू कांट काउंट ऑन यू दैट मच। तो मेरे हिसाब से एक ठीक डिसीजन है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत रन बना चुके हैं इंडिया के। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि भारत 5 गेंदबाजों को खिलाने का जो है दम क्यों नहीं रख पाता? हमेशा हम देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज ज़रूर भारत खिलाता है। ऑन पेपर देखा जाए तो बल्लेबाज भारत के पास एकदम ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो विश्व में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं, बावजूद उसके भारत जो है 5 गेंदबाजों को खिलाता है, एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को हमेशा खिलाता है, तो आखिर क्या वजह आपको इसकी लगती है? देखिए, मैं जितना आप पास में रिकॉर्ड देखिए, इंडिया इज़ नॉट बीन एबल टू डिफेंड वेल। तो मतलब जितना चाहे 5 बॉलर खिलाएं, लेकिन वो इतनी क्षमता नहीं रखते कि वो एक बड़ा स्कोर डिफेंड कर सकें। इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ ही है, और मैं मानता हूँ कि इंडिया की बैटिंग कोई भी स्कोर चेज कर सकती है। ऑलराउंडर्स जो हैं हमारे पास, फिर भी अभी भी निकल करके नहीं आ पा रहे हैं। पठान निकले थे, लेकिन पठान अभी भी बहुत ज़्यादा उतना अपना लेवल नहीं बना पाए जैसे जैक्स कालिस जैसे ऑलराउंडर्स ने अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन पठान अभी भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग नहीं करते, बैटिंग अच्छी करते हैं तो बॉलिंग नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि ऑलराउंडर्स अगर भारत के पास और आएंगे, या टीम में जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हुए, वीरेंद्र सहवाग हुए या सौरभ गांगुली हुए, इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी है जो ऑलराउंड प्रदर्शन कर कर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है? देखिए, आप सचिन को देख लीजिए, सहवाग ले लीजिए और युवराज, तीनों बॉल डाल सकते हैं, 5-5, 6-6 ओवर हर मैच में डालते हैं वो। तो अगर मतलब वो बॉलिंग वगैरह पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो अच्छे ऑलराउंडर्स बन सकते हैं। जैसे दिलीप वेंगसरकर ने बयान दिया था कि द्रविड़ की जिद पर जो है वो सहवाग को लेकर के गए, तो आपको लगता है कि टीम चली गई वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी मुख्य चयनकर्ता कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं टीम के मनोबल पर कुछ असर पड़ता है, सहवाग के मनोबल पर असर पड़ेगा इससे? जी बिल्कुल, ऐसी बात डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी टीवी पे, और इससे थोड़ा सहवाग के मनोबल पर असर पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही वो थोड़ा डाउन चल रहे थे और ये बात बाहर आने के बाद शायद उनका कॉन्फिडेंस और थोड़ा लो हो गया। जिन टीम ने जाना था उनका अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ पठान टीम में खेलेंगे, उसके बाद वेंगसरकर कहते हैं कि नहीं, इस मैच में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो फिर से वेस्ट इंडीज़ नहीं जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है खिलाड़ी के ऊपर बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का? जी असर तो काफ़ी पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार आप अनाउंस कर दिए जाएँ तो एक क्रिकेटर को अपना माइंड सेट बनाना पड़ता है, और वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका मतलब श्योरिटी नहीं है, तो काफ़ी असर पड़ता है। जी नहीं विराट, पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है खेल पर, कि आप जो हैं जो खाली टाइम मिलता है उसमें खेल पर ध्यान देने के बजाय आप जो है मॉडलिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, और एक एक खिलाड़ी जो है 30-30 ब्रांड्स के साथ जो है एंडोर्स है, तो कहीं ना कहीं खेल पर असर तो पड़ता होगा इसका? जी मेरे को नहीं लगता कि खेल पर कोई असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो ये सारी बातें बाहर आती हैं। अगर आप जीतते रहेंगे तो कोई एंडोर्समेंट्स की बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल, चलिए खिलाड़ी हैं आप दोनों, शायद इस वजह से इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस चीज़ का असर पड़ता है। एक बात जानना चाहूँगा, आज के टाइम पे मीडिया जो है बहुत बड़ी पावर बन गया है, मीडिया जो है बहुत प्रेशराइज कर देता है, एक ही दिन में हीरो बना देता है, एक ही दिन में अगर धोनी कुछ चौके छक्के जड़ दें तो कहा जाता है कि धो दिया धोनी ने, और अगले दिन ही हेडलाइन आ जाती है कि धुल गया धोनी। तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या मीडिया बहुत ज़्यादा दबाव डाल देता है खिलाड़ियों पर, या खिलाड़ी इस कैपेबल होते हैं कि वो मीडिया के दबाव को जो है सहन कर पाते हैं और इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता?
मेरे हिसाब से मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि चाहे जितना ही बड़ा प्लेयर हो, इवन सचिन पे भी बहुत प्रेशर डाला गया था मीडिया द्वारा। तो मैं मानता हूँ कि कितना ही बड़ा प्लेयर हो, अगर एक बार मीडिया का प्रेशर डाल दिया जाए तो साइकोलॉजिकली उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है।